नन की तारीफ हो भी भाभी से कभी सुना नहीं। भाभी जल्दी चलो न, देर हो रही है। चलती हूँ बाबा, लिपस्टिक तो लगाने ले। सविता ने फटाक लिपस्टिक लगाए और दोनों नंद भाभी मार्केट चली गईं। सविता अपनी नंद सोनी के साथ अपने मायके आई थी। दोनों नंद भाभी कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा थी। सोनी को अपने कॉलेज या दोस्तों की बात बतानी हो तो वो सबसे पहले सविता को ही बताती। सविता भी बड़ी बहन और दोस्त होने के नाते उसे सही सलाह देती। अरे सुधा, ये अपनी सविता की नंद है न। बालकनी में खड़ी पड़ोसन काजल दोनों को जाता देख बोली, हाँ बहुत प्यारी बच्ची है, सविता को बहुत प्यार और मान देती है। सुधा सविता आए तो उसे घर भेजाना, उससे कुछ बात करनी है। शाम को सविता काजल के घर पहुँची। आंटी मम्मी कह रही थी आपने मुझे बुलाया था, क्या काम है? सविता तेरी नंद के बारे में बात करनी थी, आज उसे देखा तो लगा राजेश और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, बस उसी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तू हमें राजेश को बचपन से जानती है, राजेश के स्वभाव और नौकरी के बारे में भी जानती है, सच सच बताना बेटा, क्या सोनी हमारे घर की बहू बनने के लिए सही पसंद है? क्या वो तुम्हारी तरह ससुराल में घर बस जाएगी? नहीं तो आजकल की लड़कियां ससुराल आते ही अलग रहने की जिद करने लगती हैं। आंटी सोनी जिस घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, रूप के साथ साथ गुणों की खान भी है मेरी नंद। नंद की इतनी तारीफ, वो भी एक भाभी से कभी सुना तो नहीं। आंटी जी वो तारीफ के काबिल ही है, इसलिए कर रही हूँ। बाकी ताली दोनों हाथों से बजती है, जैसा ससुराल होगा बहू भी उसी रंग में रंग जाती है। जिस नंद की भाभी उसकी इतनी तारीफ करे वो लड़की तो खास ही होगी, नहीं तो भला नंदों की तारीफ कौन करता है। सविता तुम अपने सास ससुर से राजेश के बारे में बात करोगी, वो जब कहेंगे हम उनसे मिलने आ जाएंगे। मम्मी जी बधाई हो, सोनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, हमारे पड़ोसी हैं, लड़का अच्छी नौकरी पर है, आप कहिए तो उन्हें घर बुला लेते हैं। घर आते ही सविता ने अपनी सासू माँ को फोन लगाया, बहू तुमने सब देखा है तो अच्छा होगा, फिर भी एक बार घर आ जाए तो अच्छा है, सोनी और राजेश भी एक दूसरे से मिल लेंगे और हम भी। इतवार को राजेश और उसके मम्मी पापा घर आ गए। बहन जी हमें ये रिश्ता पसंद है, आपको हमसे या राजेश से कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ लीजिए, काजल जी बोली। हमें भी कुछ नहीं पूछना सविता और संभी समधन जी ने सब बता दिया था, बस आपसे और राजेश से मिलने की इच्छा थी। सोनी और राजेश एक दूसरे को पसंद कर लें तो हमारी तरफ से भी हाँ है। सोनी और राजेश ने भी इस रिश्ते पर मंजूरी की मोहर लगा दी। बधाई हो सविता, अब हम पड़ोसी से रिश्तेदार बन गए, काजल सविता को गले लगा कर बोली। सोनी इधर आओ बेटा, कमला ने सोनी को हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा और अपने बैग से एक सुंदर सा बॉक्स निकाला कर खोला, उसमें दो सोने के कंगन थे। सोनी को पहनाते हुए बोली, आज से तुम हमारी बहू हो। राजेश और सोनी ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद दिया, सब खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी सविता और सोनी, क्योंकि शादी के बाद भी नंद भाभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगी। दोस्तों, नंद भाभी एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हो जरूरी नहीं, दोनों एक दूसरे के मन और भावनाओं को समझें तो उनमें बहनों जैसा प्यार भी हो सकता है। नंद भाभी का रिश्ता खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ साथ प्यार और स्नेह का बंधन है। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।